आपका इनसाइड एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्पेशल सीरीज के बारे में बात करेंगे, वैसे इसको शॉर्ट सीरीज कहना ठीक होगा। अब मार्वल की तरफ से एक नया सीरीज लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आई एम ग्रू, और ये एपिसोड्स कुछ 3 या 4 मिनट के हैं, तो इसे जरूर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखें। ये शॉर्ट सीरीज जितना क्यूट है उतना एंटरटेनिंग भी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेबी ग्रूट की कहानी शुरू होती है जब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 की एंडिंग सीन से लेकर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 2 तक, जब पार्ट 1 में ग्रूट मर जाता है और एंडिंग में रिबोर्न होता है, तब हम यहाँ पर ग्रूट को बढ़ा होते हुए देखते हैं। इसीलिए पहला एपिसोड का नाम ग्रूट्स फर्स्ट स्टेप्स है। अभी ग्रूट एक पॉट में होता है क्योंकि उसका अभी रिबोर्न हुआ है। अभी सुबह होने से ग्रूट उबासी लेते हुए नींद से जागता है, और वहीं पर कुछ रॉबर्ट्स होते हैं, ग्रूट के सारी ख्याल रखते हैं, जैसे पानी देते हैं, मसाज करते हैं। अब ग्रूट चीतोस खा रहा होता है और तभी उसकी पॉट टूट जाती है। इसी वजह से वो रॉबर्ट आके ग्रूट को एक कोने में रख के उसकी जगह एक बोनसाई ट्री को ले आते हैं और उसको भी ग्रूट जैसे केयर करते हैं, और ये देख के ग्रूट गुस्सा हो जाता है और उस पेड़ से बदला लेने की कोशिश करता है। वो जब भी पेड़ को मारता है खुद को चोट लगती है, और जितने भी कोशिश करता है खुद ही प्रॉब्लम में पड़ता है। आखिरी में जब उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है तब पेड़ के साथ खुद भी गिर जाता है। गिरने के कारण दोनों की पॉट टूट जाती है और इसके वजह से उसकी दोनों पैर बाहर आ चुके थे। जब पहली बार ग्रूट खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है क्योंकि अभी भी वो बेबी होता है, तो अभी धीरे धीरे क्रॉल करता है और पूरा कोशिश के साथ वो खड़ा हो जाता है। अब लंगड़ाते हुए अपना फर्स्ट स्टेप लेता है और फिर भागने लगता है, और आखिरी में वो उस प्लांट के साथ बैठ के चिटोस खा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब हम आते हैं दूसरे एपिसोड पे जिसका नाम है द लिटिल गाय। यहाँ पर हमें एक दूसरा प्लेनेट को देखते हैं जो कुछ डेजर्ट जैसा दिख रहा था। यहाँ पर ग्रूट सूखे लकड़ियों से कुछ बनाने का कोशिश करता है जैसे छोटे बच्चे करते हैं, और कुछ समय बाद हम देखते हैं ग्रूट एक बड़ा लकड़ी का घर बना चुका था। तब वहाँ पर एक एलियन बर्ड आके ग्रूट को परेशान करता है और उसके लकड़ी के घर पे कब्जा कर देता है। तभी एक बड़ा सा पक्षी आके उसे उठा के ले लेता है, जिसके वजह से ग्रूट के घर टूट चुका था। ये देख के ग्रूट गुस्से से अपना पैर पटकता रहता है। कुछ समय बाद भी वो वही कर रहा था और उसके बाद थक के नीचे गिर जाता है। तभी ग्रूट बहुत छोटे छोटे क्रीचर को देखता है और उनका वहाँ पर एक सिविलाइजेशन होता है। अब ग्रूट उनके सामने बहुत बड़ा होने के कारण उन्हें तंग करता है, जिसके वजह से वो क्रीचर ग्रूट पे हमला कर देते हैं। उनके पास एडवांस्ड वेपन के साथ ड्रोन्स भी होता है। अब डर के ग्रूट नीचे लेट जाता है और तभी एक पाद देता है, और उसके पादने से एक लीफ निकल आता है, और वो मिनी क्रीचर लीफ को देख के बहुत खुश होकर सेलिब्रेशन करते हैं और सब मिलके उस लीफ को खाने लगते हैं। अब ये देख के ग्रूट उनके लिए बहुत सारे पत्ते लेके आता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो उनके पूरा सिविलाइजेशन के ऊपर चढ़ जाता है। मर गए सोच के अब ग्रूट वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं सारे मिनी क्रीचर्स जिंदा थे। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अब तीसरे एपिसोड को देखते हैं जिसका नाम ग्रूट्स परसुइट है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रूट स्पेस में होता है और वो अपना शिप पर सो रहा होता है। तभी उसको बहुत तेज आवाज आने के वजह से वो उठ जाता है और देखने जाता है कि इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है। बहुत समय तक ढूंढने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो एक टॉयलेट पे बैठ के कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। उसके बाद वहाँ से भाग जाता है, और तभी उसको महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ है, और नीचे देखता है तो उसे एक लिक्विड जैसा लगता है, और वो लिक्विड ग्रूट का शेप ले लेता है और उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है। अब ग्रूट गुस्से से डांस करने लगता है और वो भी उसके साथ डांस करने लगता है। अब डांस करते करते वो लिक्विड ग्रूट एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और फिर ग्रूट बनके डांस करने लगता है। अब उसको देख के ग्रूट शॉक हो जाता है, पर उसके दिमाग में एक प्लान होता है। अब ग्रूट उसके साथ डांस करते करते उसको लेके स्पेस में फेंक देता है और कहता है आई एम ग्रूट। अब ग्रूट डांस करते करते आगे निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। अब हम एपिसोड 4 देखते हैं जिसका नाम है ग्रूट टेक्स अ बाथ। यहाँ पे हम ग्रूट को एक और प्लेनेट पे देखते हैं। वहाँ पर ग्रूट को एक कीचड़ का तालाब नजर आता है और उसमें वो नहाने चला जाता है। नहाने के समय कीचड़ में खेलने लगता है और खुद पे भी लगाता है। वहाँ पे कुछ फल गिरा के पानी को कलरफुल करके वहाँ पे ग्रूट आराम करता है। कुछ समय बाद उठ के देखता है
उस पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते आ चुके थे। पहले तो ग्रूट गुस्सा होता है पर बाद में एंजॉय करने लगता है। कुछ समय बाद वो पत्ते झड़ जाते थे तो वो फिर से कीचड़ लगाता था जिससे नए पत्ते आ जाते थे। ग्रूट अलग अलग जगह कीचड़ लगाता है जिसपे वो हर बार नया रूप में आके डांस करता है। लास्ट टाइम वो एक प्रिंसेस जैसा आकार बनाता है। बहुत समय तक वहाँ पे एंजॉय करके शोर मचाता रहता है। भी वहाँ पे एक क्रिएचर सोने की कोशिश करता है पर शोर के वजह से वो सो नहीं पाता है। वो क्रिएचर गुस्से में आके ग्रूट पे हमला करता है और उसके सारे पत्ते खराब कर देता है। इससे सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ग्रूट कीचड़ के तालाब के पास भागता है फिर से कीचड़ लगाने के लिए। जाके देखता है वहाँ पे सारे कीचड़ खत्म हो चुके थे। ये देख के वो क्रिएचर ग्रूट का मजाक उड़ाते हुए हंसता है। पहले तो ग्रूट बहुत दुखी होता है पर उसे एक आइडिया आता है। अब हम देखते हैं उस क्रिएचर के सारे बाल उसके ऊपर नहीं थे और अब ग्रूट को देखते हैं जो कि उसके सारे बालों का मफलर बनाकर पहन लिया होता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम एपिसोड 5 देखते हैं जिसका नाम मैग्नम ओपस है। सबसे पहले हम एक स्पेस शिप देखते हैं और उसमें ग्रूट एक बैग को लेकर जा रहा होता है। अब ग्रूट बैग के अंदर से कॉमिक बुक निकाल के उसके कुछ पेज को फाड़ लेता है। उसके बाद वो रॉकेट की तरफ जाता है और वो सोने की समय उसकी पूंछों के कुछ बाल को काट लेता है। अब शिप के एक बोर्ड को निकाल देता है। इस तरफ वो ड्रैक्स के पास जाता है और वो नहाने की समय उसकी साबुन चुरा लेता है। इस तरह वो बहुत सारी चीजों को जमा करता है और पेज पर पेंटिंग करना स्टार्ट करता है। तब वो हर एक चुराई हुई चीजों का इस्तेमाल करता है। अब पेंटिंग में ग्लिटर्स के लिए उस बोर्ड को बम से उड़ा देता है। उसे ग्लिटर्स तो मिल जाते हैं पर शिप में एक होल बन चुका था। अब ग्रूट उस होल को टेप से बंद करने का कोशिश करता है। तब रॉकेट वहाँ पर आ जाता है। पहले तो रॉकेट गुस्सा होता है। तब ग्रूट रॉकेट को बोर्ड ड्राइंग दिखाता है जिसमें उनके पूरी टीम का तस्वीर होता है। अब रॉकेट देख के कहता है इसे हम फ्रेम करके फ्रिज के पास लगाएंगे। तभी रॉकेट उस होल में गिरने वाला होता है। तब ग्रूट उसे बचा लेता है। अब यहीं पर आई एम ग्रूट सारे एपिसोड्स खत्म होते हैं। ये सारे एपिसोड्स जितना क्यूट था उतना फनी था। वैसे इसमें आपको ग्रूट के सारी शैतानियां और मस्ती देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी अल पे कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डाले सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके।